हेलो दोस्तों, आप सभी को ज़रूर पता है कि मारुति सुजुकी या फिर जो भी कार डीलर हो, सबके द्वारा बहुत सारी एक्सेसरीज बेची जाती है, जैसे कि फुट मैट्स हो गए, स्टीयरिंग कवर, सीट कवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सब एक्सेसरीज में नेक्सा के द्वारा एक और ऐसा एक्सेसरी बेचा जाता है जो कि काफ़ी अनकॉमन है और बहुतों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर, मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा था एक्सेसरीज़ के ऊपर, ऊपर आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। और आपको शायद लग रहा है कि आज थोड़ा ये अंधेरे में क्यों काम हो रहा है। अरे यार क्या कहें, आज तक जितने भी हम वीडियो छोड़े हैं यूट्यूब में, सब तो दिन के उजाले में ही हुए थे। तो आज सोचा कि कुछ अलग टाइप का कर लूँ एक अंधेरे में। तो जिसके बारे में बात कर रहा था एक्सेसरी के बारे में, वो है सुजुकी कनेक्ट। अगर आप नेक्सा के शोरूम में जाएंगे तो आपको उनके कार्ड्स में ये एक्सेसरी का ऑप्शन मिलेगा। कार डीलर आपको पूछेगा कि सर क्या हम आपको लगवा के दें। नेक्सा के हर कार में मिलेगा कि नहीं ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन बलेनो, एस क्रॉस, एक्सेल 6B, आई थिंक इन सब में तो ये मिल जाता है। तो ये एक्सेसरी है, एक्सेसरी नहीं, ये क्या बोलते हैं, GPS ट्रैकिंग सिस्टम कह लो, कुछ भी कह लो, ये एक ऐसा चीज़ है जो कि नेक्सा वाले आपको अपने कार में फिट करके देते हैं डिलीवरी से पहले। कहाँ एग्जैक्टली फिट करते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डैशबोर्ड के नीचे कहीं करेंगे। वो एक GPS ट्रैकर सिस्टम टाइप का फिट कर देते हैं जिसमें आपको बहुत से फंक्शन मिल जाते हैं। उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। 5,000 रुपये थोड़ा आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि 5,000 रुपये इस चीज़ के लिए क्यों वर्थ इट है। तो जैसे ही आपने वो 5,000 का चीज़ ख़रीद लिया, तो आपके कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो रजिस्टर हो जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। जैसे ये डेमो के लिए मैं फ़ोन लाया हूँ, फ़ोन पे ये फोकस नहीं पकड़ रहा, पता नहीं क्यों। ये देख लो, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपको सर्च करना है सुजुकी कनेक्ट। तो ये हो गया उसका ऐप, हमने तो ये इंस्टॉल कर रखा है। आप ऐप जब खोलेंगे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। अपना तो चलो फिलहाल लॉगिन है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको पूछा जाएगा आपका कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका फ़ोन नंबर, जिससे कि ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद ये हो जाएगा, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ब्राइटनेस ज़रा कम कर देते हैं, अब बढ़िया लग रहा है। तो जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं आपका कार का एग्जैक्ट लोकेशन ही दिखाएगा। इसको आप जितना मर्ज़ी जूम कर सकते हैं, ये एक कार ट्रैकर टाइप का बन जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ये देख लो एग्जैक्ट। और इधर आपको अगर करेंगे, आपको नेविगेट टू कार, जैसे कि अगर आप किसी पार्किंग लॉट में गए हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली पार्किंग लॉट में, यार आपका कार खो गया है, आपको याद नहीं एग्जैक्टली आपने कहाँ पार किया था, तो आप किस तरह से गूगल मैप से भी नेविगेट कर सकते हैं, ऊबर से भी, जो भी हो आपके फ़ोन में जो नेविगेशन ऐप्स है उसमें ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। नेविगेट टू कार हो गया। अब अगर लोकेशन शेयरिंग करें कि आपका कार का लोकेशन कहाँ है, अगर आप किसी परिवार के सदस्य के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली किधर हैं, तो ये आप कर सकते हैं लोकेशन शेयरिंग में। इधर आप जाएंगे, इसको अगर आप शेयर करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा, तो आप व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ से भी हो शेयर कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया, ये मैनुअल ट्रिप, इससे आप ट्रिप सेट कर सकते हैं। इधर आपका लाइव कार स्टेटस दिखाएगा, आप देख सकते हैं आपका इग्निशन ऑफ है दिखा रहा है, कार के बैटरी में कितना चार्ज है। कभी कभी होता है कि हम 1-1.5 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं और कार को रख देते हैं, हमें डर लगता है कि हमारा बैटरी ख़त्म ना हो जाए कार का, क्योंकि स्टार्ट करने वाला कोई है नहीं। लेकिन आप यहाँ से इसको देख सकते हैं बैटरी का क्या स्टेटस है, पेट्रोल कितना बचा है ये भी दिखा रहा है, और एग्जैक्ट कार कितना चला है, 10.659 किलोमीटर्स आप देख सकते हैं, जो कि अपने MID में भी सेम ही है। इसका कुछ हिसाब किताब है। अगर आप लास्ट ट्रिप रिपोर्ट पे जाए तो आपको ये दिखाता हूँ, ये तो चलो आपको लास्ट आपका जो 5 ट्रिप्स है उसका हिस्ट्री दे देगा। इसको हम देखें, क्लिक करें, देखो पूरा डिटेल में जाते हैं। ये आपको मैप्स में भी दिखाएगा कि आप कहाँ से कहाँ ट्रिप किए थे, यहाँ पे भी आपको दिखा देगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आपका एंड पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन,
विथ टाइम देख लो, 26 जनवरी 2021 4:10 PM से 4:50 PM एग्जैक्ट दिखा देगा, आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखा देगा 18.7 किलोमीटर, आपको कितना माइलेज मिला है 23.9 किलोमीटर पर लीटर। ये मैंने टेस्ट किया है, ये रियल टैंक टू टैंक माइलेज नहीं है, ये आपका MID में जो माइलेज दिखा था वही यहाँ पे दिखा देता है एवरेज स्पीड, और ये आपको ड्राइविंग के हिसाब से आपको स्कोर देता है, 100 में आपको 85 दिया है। इधर आप करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन के मार्क्स मिलेंगे, ये देखो आपको एक्सेलरेशन में 5 out of 5, ओवर स्पीडिंग में 4 out of 5, ब्रेकिंग में 5 out of 5, और फटीक ड्राइविंग में 5 out of 5। एक्सेलरेशन मतलब देखो सब कुछ कम है, मतलब मैंने शार्प एक्सेलरेशन नहीं किया, एक्सेलरेशन बिफोर टर्न नहीं किया, फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन मैंने नहीं किया जर्नी में, ओवर स्पीड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पता है तुमको ज़रा ओवर स्पीड हुआ था, खाली रास्ता था इसीलिए हाईवे में, ब्रेकिंग में बहुत हल्का सा शार्प ब्रेकिंग हुआ था, ब्रेक आफ्टर टर्न नहीं हुआ था, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग और फ्रीक्वेंट स्टॉप काफ़ी हुआ था क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे कभी कभी तो फ्रीक्वेंटली रुकना पड़ रहा था। फटीक ड्राइविंग मतलब 3 घंटे से ज़्यादा मैंने ड्राइव नहीं किया इसीलिए फटीक का कोई सीन नहीं है। ऐसे आपको कुछ लास्ट 5 ट्रिप्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इधर हम दबाएंगे इस कार वाले बटन को, तो ये आपको देख रहे हो आपका एड्रेस यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जो ग्रे में दिखा रहा है, आपका एड्रेस अपडेट करता रहेगा, और नीचे वाले में अगर करेंगे तो आपका GPS लोकेशन एग्जैक्ट दिखा रहा है। इधर आपका दिखा रहा है ट्रिप ऑफ क्योंकि अभी कार बंद है, इससे असिस्टेंस कॉल मतलब रोड साइड असिस्टेंस कॉल, अगर रास्ते में आपको कोई दिक्कत आ जाता है, कार ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो आप असिस्टेंस कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएं अलर्ट्स देखो, लो फ्यूल अलर्ट, नियर बाई फ्यूल स्टेशन पे भी आपको नेविगेट कर देगा एग्जैक्टली कहाँ कितना फ्यूल बचा है, किस डेट में है, सब कुछ ये दिखाएगा। देखो लो फ्यूल, सीट बेल्ट वार्निंग, AC आइडल, मतलब चलती कार में अगर आप क्या बोलते हैं चलती नहीं स्टेशनरी कार में, मतलब सिग्नल पे रुके हैं लेकिन AC चल रहा है, आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, ये सब दिखाएगा। ट्रिप लॉग्स में भी दिखाएगा कब आपका ट्रिप स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, ये सब अलर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इधर आपको मैं दिखाता हूँ एक कूल चीज़, यहाँ पे आपको अब मेरा नाम है, DP नहीं है, ये फ़ोन नंबर मेरा दिखा रहा है। अब प्लीज़ इस फ़ोन नंबर आपने देख लिया मेरा क्या है, अब इससे आप स्पैम मत कीजिएगा मुझे। इसमें कार का नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, ये देख लो सब है, डैशबोर्ड आपने देख लिया था, ये इंटरफेरेंस, लोकेशन शेयरिंग मैंने दिखा था, जियो फेंस एक बहुत ही काम का चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप अगर ऐड जियो फेंस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर किसी दूसरे शहर में, और आप अपने किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त के हाथ में अपना कार थमा जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम जब तक लौटें हमारा कार का ध्यान रखना, तो आप उनसे कहते हैं कि भाई इस इलाके से बाहर मत जाना, मतलब अपने घर के 1 किलोमीटर रेडियस या फिर 5 किलोमीटर इतना ही कार को चलाना, इससे बाहर कार को मत ले जाना। तो आप तो उनसे बोल के चले जाते हैं लेकिन आपको तो डर लगता है कि वो बंदा कहाँ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप जियो फेंस आप देख सकते हैं आपके घर के यहाँ पे, आप ऐसे बढ़ा सकते हैं रेडियस, देख लो इस तरह से, अगर आप एक जियो फेंस क्रिएट कर दो और निकल जाओ कहीं, उसके बाद अगर आपका कार इस जियो फेंस से बाहर निकलेगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग चलाएगा, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा, ये सब होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि बंदा छेड़छाड़ कर रहा है, डिस्कार्ड करते थे। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, ये फालतू की चीज़ नहीं है। ट्रिप समरी भी आपने देख लिया, लास्ट 5 ट्रिप्स मैंने दिखा दिया था, ड्राइविंग बिहेवियर हाँ दिखा दिया था, कितना स्कोर मिला था, अलर्ट हिस्ट्री, मैनेज अलर्ट्स मतलब किस किस चीज़ के लिए आपको अलर्ट चाहिए, सबको हम ऑन रखते हैं क्योंकि सेफली ड्राइव करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आप किसी का कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, अपने परिवार वालों का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी, क्योंकि इसका एक बहुत ही फ़ायदा है, अगर आपका कार कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, आशा करता हूँ किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस तुमको पता है एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आता, आपकी खुद की गलती भी नहीं हो सकती, कोई भी आपको मार सकता है पीछे से या आगे से, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो ये GPS सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है, मुझे पता नहीं कैसे लेकिन ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जिसका नंबर वंबर ईमेल आईडी सेव करते हैं उनको मैसेज भेज देता है कि ऐसा कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपके परिवार वालों को भी पता चल जाता है। तो यही कुछ इसके फीचर्स थे, और तो कुछ है नहीं अबाउट, तो
छोड़ो। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये कितना फायदेमंद चीज है। अगर मुझे ऑनेस्टली पूछो, मैं कहूँगा कि नेक्सा के द्वारा जो एक्सेसरीज बेची जाती है, ये एक एकमात्र ऐसा एक्सेसरी है जो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि बहुत से इसमें तगड़े तगड़े फीचर्स मिल रहे हैं आपको, देखिए, और सभी काम के फीचर्स हैं। आप लिटरली कार को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं, ये सब बढ़िया चीज़ आपको मिल जाता है। मतलब कार चोरी अगर बाई चांस चोरी हो जाए तो आपका एटलीस्ट समझ में आएगी कि कार कहाँ है, आप उसको ईजिली चोर को जाकर दबोच सकते हैं वहीं पर फॉलो करके मैप के द्वारा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नेक्सा के आउटलेट से कोई भी कार खरीद रहे हैं और अगर आपको डीलर बोलता है कि सर आप ये ले लो GPS सिस्टम सुजुकी कनेक्ट, तो आप उसको हाँ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन, और ऐसी वीडियोस अगर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस देखना चाहते हैं कार रिलेटेड, तो सब्सक्राइब कर दो। अभी यार कर दीजिए सब्सक्राइब, बहुत से वीडियोस आने वाले हैं, अलग टाइप के वीडियोस, अलग अलग कार्स का आने वाला है। मैं कुछ स्पॉयलर देने वाला हूँ नहीं, लेकिन कुछ तगड़ी तगड़ी SUVs का रिव्यू भी बहुत जल्द आने वाला है।